What's up, Atribaz? Welcome back to the channel once again. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? बोल रहे होगे कि भाई अभी तक वीडियो चालू भी नहीं हुई और आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हो, और ये पता नहीं मेरे कान पे क्यों चिल्लाया जा रहा है। हम घूम रहे हैं सीपी के अंदर। मैंने आज के दिन शूट किया है ब्लॉगिंग स्ट्रेंजर्स पार्ट। कैनन कैमरा है। हाँ जी भैया, ये ब्लॉगिंग वाला वो 70,000 वाला कैमरा है। इतना महंगा भी नहीं है, पर हाँ है, जब मिला था इतने का ही था। इसे इंट्रो आउट्रो कर दे मेरा यार, इससे भी हो जाएगा इंट्रो, पर ऑडियो नहीं आएगा ना, वो जैक नहीं किसमें, ई माउंट नहीं है इसके ऊपर तो। और इसने शूट किया है अपने लिए, चैनल के लिए एक कोई कमेंट ट्रोलिंग वीडियो। हम लोग शूट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 4-5 दिन से, चार पाँच दिन से। हाँ मतलब मैंने चारों की चारों पाँचों वीडियो जितनी भी डाली हैं अब तक अत्रिबाज प्रैंक पे, वो इसके साथ ही शूट करी हैं। जो नई वीडियो चैनल पे अपलोड होने वाली है वो है होल्डिंग, नहीं जो चैनल पे अपलोड होने वाली नई वीडियो, इतनी वीडियो शूट कर दी याद ही नहीं है कौन सी डालनी है, देख रहे हो। जो नई वीडियो चैनल पे अपलोड करनी है, जो अपलोड होएगी नेक्स्ट, उसका नाम क्या है भाई? कल हमने क्या शूट किया था? टेकिंग हॉट सेल्फी, टेकिंग पिक्चर विद हॉट गर्ल्स फॉर पजेसिव गर्लफ्रेंड। तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक, कमेंट करके बताना उस चैनल पे कि तुमको कौन कौन से प्रैंक चाहिए और क्या देखना चाहते हो। अभी हम थोड़ा सी पीक घूमते हैं, पर आज टाइम से फ्री हो गए। फ्री होने का कारण हमारे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी भाई। कभी एक दिन बस माइक चार्ज करके लाता है और कभी एक ही दिन हुआ, ठीक है, और एक दिन बैटरी। भाई क्यों ही आए ऐसी मौका, तेरा तो हो गया ना, हो गया। हाँ मेरा तो शूट हो गया पूरा का पूरा, और अपनी इंट्रो आउट्रो भी हो गई, सारी की सारी चीज़ हो गई। इधर लाइट बड़ी आ रही है, काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं करता, इसलिए ब्लॉग करना चाहिए। अब थोड़ा घूमते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, या तुम्हारे लोगों से रिलेटेड भी कुछ बात करते हैं, और देखते हैं कि क्या निकल के आता है इस ब्लॉग का आउटपुट। अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या होगा इस ब्लॉग के अंदर, क्या नहीं होगा, पर आज ब्लॉगिंग करते हैं। अरे व्लॉग में क्या अच्छा लगे, एक फोटो खींच लिया बैठे थे, मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँ। मेरा मतलब ये कैमरा बंद होते ही बोला भाई एक फ़ोटो खींचे बढ़िया सी, क्योंकि कैमरा सुस्त हो चुका है हमारा, और अब काम आएगा अपना वन प्लस। स्पॉन्सरशिप मिली है, दे दो कोई वन प्लस वाला हो तो दे। अंकल कह रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट नहीं है, बस ये थोड़ी फोटो बढ़िया खींच दी ना लोगों ने, तो सारे के सारी पब्लिक रुकी हुई है। मैं समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं यही पैदाइश हुई है। अच्छा, मैंने कहा ये कब सेल्फी पॉइंट बन गया, अभी 1-1.5 साल पहले इस पे वो थी ना शेर वाली माता वाली, कुछ नहीं, नहीं वो चिड़िया जो उड़ रही थी, चिड़िया उड़ रही थी, लक्ष्मी खुद बैठे होते। हाँ वो ड्राइंग हर बार चेंज होता रहता, कोई आर्टिस्ट बनाते रहते होंगे। तो हमने बहुत सारा टाइम लगाया फ़ोटोज़ खींचने के लिए, पर कुछ आउटकम नहीं निकली, क्योंकि लाइट कम है और फ़ोन से ग्रेन्स आ रहे हैं। मतलब खींची हैं कुछ, दिखाऊं? अपनी लाइफ में हो चुका है अब कैश ख़त्म, और बढ़ रहे हैं थोड़ा। पिन भी डाल देगा क्या तू उसमें? पैसे निकलन हमारी देव में गपचकन। यार क्या करे गरीब आदमी, कहाँ से लाए 500 रुपए भी इतनी मुश्किल से आए हैं यार। अब तो बुरा दिन आ गए। बताऊँ कितने रुपए बचे? मोदी जी थे काफी टाइम तक ना भाई, देख लो तुम्हारे सामने देखो 500 रुपए निकल गए। ठीक है मेरी याद, लाइट इन दिख रही, हाँ आ गए, ठीक है 500 निकल गए, 156 रुपए रह गए। देख लो अब मैं पूछना यूट्यूब के कितना पैसा आता है कितना पैसा नहीं आता है, पता लग गया होगा। इसलिए इन्होंने यार बैंक में ड्रॉ के अब 156 नहीं है। घूमने गया था वैसे, आया था इस जगह तक जो इसका बैंक है HSBC, और बेचारा लौट के मेरे ATM के आगे पहुंच गया। मैं कहा बड़ी जल्दी निकल गए, तेरे कह रहे कहाँ निकल गए, बंद पड़ा है वो तो। सालों ने लाइट ऐसी लगा रखी है पूरी, 4 किलोमीटर दूर से दिख जाए इंसान को, ब्लर क्यों मार रहा है इतना, 4 किलोमीटर दूर से दिख जाएगी इतनी मोटी लाइटिंग लगा रखी है सालों से। लाइट का वो हो जाता ना, इसलिए देखो कचरा पार्क में बैठना है पर साफ नहीं करना, आराम करो।
पूरे में ही कचरा फैला रखा है देखो। पर ये कल सुबह होने से पहले डेफिनेटली साफ हो जाएगा। तो इसने मेरे को ना नाम दे रखा है कि इसकी ना नज़र एक नंबर की, मैं दूर से कंटेंट पहचान लेता हूँ। आज तक तुमने जिंदगी में डोमिनोज जब भी खरीदा होगा ना तो डोमिनोज के स्टोर पे जाके खरीदा होगा। यहाँ पे पता है सिटी में कैसे मिलता है, आप बस पार्क में आ जाओ घूमने के लिए, डोमिनोज के भाई देखो अभी थैला लेके घूमते रहेंगे। हमारा डोमिनोज हाँ भैया गर्म है दिखा दो, बंद है आप कुछ नहीं है। पर बस बात ये है कि स्टोर पे है ये अराउंड 79 या 82 कुछ का पड़ेगा, यहाँ पे 90 का पड़ेगा। धन्यवाद भैया। भाई हमारा प्रैंक के लिए फुल रेडी है, घर से दूध भी लाया, पता नहीं ये दूध है कि मट्ठा है लस्सी है क्या लाया है। दूध है लस्सी नहीं है, मैं घर के फ्रिज में से दूध थोड़ा सा दूध पता था पानी मिला दिया। प्रोडक्शन कॉस्ट पूरा लगाया भाई, थोड़ा सा कम है पर लगाया पूरा है देखो। ML लगाया, 150 ML लगाया, इतना ही बॉटल, नया नया बच्चा इतना ही पीता है और सांप के लिए तो इतना काफी है। उम्मीद है इस वीडियो से इसकी चल सकती है वाली वीडियो फुल ऑन, बस इसकी चल रही है आजकल वीडियो। व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू अत्रिबाज प्रैंक। सो ये है बिहाइंड द सीन ऑफ लेटेस्ट वीडियो विच इज हम शूट कर रहे हैं ये सुमित का प्रैंक, कुछ अलग कर रहे हैं। ये हमारा देखो प्यारा सा बच्चा है और इसको आज हम ये मेरा नागू है, ये हम बेचारे को सर्दी ना लग जाए तो आज हम कुछ अलग प्रैंक कर रहे हैं। सो इसके अंदर सीन क्या है कि ये जाएगा अभी बंदों के पास और इस तरीके से पकड़ाएगा लोगों को स्पेसिफिकली लड़कियों को, और उनको बोलेगा कि मेरे को अपने लड़के को बच्चे को दूध पिलाना है, आप प्लीज़ पकड़ लोगे। जैसे वो पकड़ेंगे तो अंदर से स्नेक जो है वो पॉप अप करेगा और देखते हैं किस तरीके के रिएक्शन आता है। एक नंबर का है। और मैं कर रहा हूँ आज कमेंट ट्रोलिंग ऑन गर्ल्स, और जितने भी लोग अब तक वीडियोज़ देख रहे हैं तो यार जाके डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है भाई, बच्चा रेडी हो गया तेरा, बड़ी मेहनत से हुआ है भाई स्ट्रगल करके। किसी आंटी से पूछ के आए कि बच्चा कैसे बनाना है। यो व्हाट्सअप पीपल, सो हम लोगों का शूट हो गया खत्म पहला, विच इज सुमित अपना प्रैंक करने के लिए गया था और जिस आइडिया से प्रैंक करने गया था वो तो नहीं हुआ, दूध पिला नहीं पाए हम बच्चे को हमारे सपोले को। बट जो हुआ वो ये कि हमने फिर लोगों के पास गए और बच्चा गिराया। हाँ मेरे पास है ढक्कन, बोले तो लेंस कवर, ये लो। शूट दोनों के कंप्लीट हो गए, इसका भी हो गया मेरा भी हो गया। मेरा खतरनाक वाला था, आई एम अ पॉर्न स्टार, और जो भाई एक बंदी तो क्या खतरनाक भिड़ी ना, उसके पास जाने में तो 100 बार सोचना पड़ा, 100 बार नहीं पर 5 बार तो सोचना पड़ा कि अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं ऑफेंड ना हो जाए, क्योंकि जो कमेंट था वो कुछ ज़्यादा ही धातु वाला था। तो अब टाइम है थोड़े बिहाइंड द सीन देखने का, तो देखो अब सारी की सारी अनकट फुटेज। या तो तुमने देख ली होगी या नहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो अब देख लेना, अगर देख चुके हो तो बताओ कि कैसी लगी थी वो सारी की सारी अनकट फुटेज। और चाहते हो कि मैं ऐसी पूरी की पूरी थॉरो और रॉ वीडियोज पोस्ट करूँ तुम लोगों के लिए, तो कमेंट डाउन बिलो और याद से शेयर करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अब चल रहे हैं अपने घर की तरफ, रोज टाइम से निकल जाते हैं, डेली शूट करते हैं और कल देखते हैं कल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मिलेंगे नई वीडियोस में भाई। ओ भाई अपना शूट हो गया था ख़त्म, हम निकल गए थे पूरे के पूरे एकदम घर जाने के लिए तैयारी में। सुमित पता नहीं कहाँ गया, पर फिर एक भाई का मेरे पास मैसेज आया, उसने कहा कि भाई रुक जाओ वहीं पे जहाँ पे भी हो, हम मिलने के लिए आ रहे हैं। एंड ये भाई आए, इनके फ्रेंड्स आए, आप लोग भी देखते हो वीडियोस दिखाया। और भाई ये भाई इसका बड़ा भाई, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। मैंने इनको बोला था कि ब्लॉग में डालूंगा, इसलिए बस कैमरा दोबारा निकाल के रिकॉर्ड किया, नहीं तो बैग में रख दिया गया था। भाई तुम्हें कुछ बोलना है? I love you bro. Love you bro. बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट। आते ही चिपक, मतलब एकदम ऐसे झप्पी भर ली रहा है इसने एकदम ऐसे ही। पर सबसे बेस्ट पार्ट यही है शूटिंग लाइफ की या यूट्यूबर्स की लाइफ की, जब आप रिकग्नाइज होते हो और बंदे मिलते हैं, आते हैं, गले लगाते हैं और प्यार देते हैं। हो गया तुम लोगों का घूमना फिरना, ब्लॉग ओवर एंड बाय बाय। और जो कोई भी दिल्ली आए मिलने के लिए आए तो डेफिनेटली मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, अगर सीपी में हुआ तो डेफिनेटली मिलूंगा, ऐसा नहीं कि भाग जाऊंगा। हाँ दिल्ली आते हैं, वेट भी करते हैं। हाँ मैंने इनके चक्कर में चाय पी और मट्टी के साथ खाई, बेस्ट डाइट, नो वन कैन बीट चाय मट्टी। बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।